हाय एवरीवन एंड वेलकम टू वरदास फूडी किचन। और आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यूनिक चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चाइनीज़ पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हमको चाहिए राइस, कैबेज, ग्रीन पीस। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट यूज़ किया है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल रेगुलर अनियन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है कैप्सिकम, कैरेट, चिकन, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टीस्पून सोया सॉस। और यहाँ पर है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 ग्रीन चिली को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चाइनीज़ पुलाव। मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, इसमें अभी हम लोग ये ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गरम होने देंगे, जिंजर गार्लिक और चिली जो हमने चॉप करके रखे ये ऐड करेंगे, थोड़ी देर इसको सॉटे कर लेंगे। चिकन ऐड करेंगे, भून लेंगे थोड़ा चिकन को। चिकन का कलर चेंज हो गया है, ग्रीन पीस ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। साथ ही कैरेट ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ा पकने में टाइम लेती है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। एक मिनट मैंने इसको भून लिया है, अनियन ऐड करेंगे अब, मिक्स कर लेंगे इसको। हाई हीट करना है और इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। ऑनियन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही ये कैबेज ऐड करेंगे और कैप्सिकम। गैस का फ्लेम हाई रखना है हमको और हाई हीट पे ही हमको इसको अच्छे से भून लेना है 1 मिनट के लिए। हाई हीट पर मैंने इसको 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये सॉल्ट और ये जो पेपर पाउडर था, ब्लैक पेपर पाउडर, वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ ही रेड चिली सॉस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई ही रहना चाहिए, हाई ही रखना है हमको। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद सारी जो वेजिटेबल है हमारी ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई है। अब हम ये राइस ऐड करेंगे, इसको थोड़ा भून लेंगे, इसमें फ्लेम हाई ही रखना है हमको। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब। राइस को मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, चावलों के हिसाब से 1.5 गुना पानी ऐड करना है। अगर आपके पास 1 कप अपने राइस लिया है तो आप 1.5 कप इसमें पानी ऐड करना, तो वो हिसाब से मैं अभी इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया है, अब यहाँ पर मैं विनीगर ऐड कर रही हूँ। मैंने लास्ट में विनीगर इसलिए ऐड किया है, इससे चावल अच्छे से खिले खिले बन के तैयार होते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको लिड कवर करके एक हाई फ्लेम पर एक विसिल लेके इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग सिमर पर छोड़ देंगे। हाई हीट पे एक विसिल लेने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए सिमर कर लिया था, तो अब हम इसको चेक करते हैं।
अच्छे से कुक हो गया है ये। थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे ऊपर से और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अमेजिंग सा चाइनीज़ पुलाव बनके तैयार है। मेरे बच्चों का तो फेवरेट है, इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई करना। सो इफ़ यू लाइक माई रेसिपी इन द वे आई कुक, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।